नमस्ते, राम राम जी। मैं सुमन कौशिक, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं उपवास में जो हम आलू की सब्जी बनाते हैं वो बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। तो गाइस, आज इसमें आलू की सब्जी में मैंने काटे हैं 3 आलू और टमाटर और धनिया, इससे हम अपनी सब्जी बनाएंगे। अभी मैं इस कुकर में तेल ही, आप क्या बोलते हैं इसे, कड़छी या चमचा, वो आप देख लीजिएगा। एक कड़छी तेल ज़्यादा हो गया है। गैस को ऑन कर देंगे। तेल हो गया है बिल्कुल गरम, इसका कलर आप देख सकते हैं। अभी मैं गैस को बिल्कुल कम कर रही हूँ। क्या होगा ना, जीरा डालूंगी तो फिर एकदम से ये जीरा जल जाएगा। ये जीरा इतना डालना है, आप देखिए। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। अभी इसमें क्या डालना है, इसमें डालेंगे हम टमाटर कटा हुआ। इसमें हरी मिर्च नहीं है, हम लाल ही खा लेते हैं, हरी नहीं खाते हैं। हरी भी खा लेते हैं लेकिन क्या है ना कि लाल हम डाल लेते हैं सब्जी में। तो अभी इसमें डलेगा टमाटर। टमाटर मैंने दो, एक बड़ा था और एक मीडियम था, दो टमाटर डाले हैं क्योंकि आलू की सब्जी टमाटर ज़्यादा लेती है। आलू की सब्जी में अगर टमाटर कम होगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए। अब इसमें देखिए हमने ये डाल दिया है। इसमें डालेंगे पहले से थोड़ा सा धनिया, मैंने धनिया थोड़ा ज़्यादा काट दिया था। कुछ धनिया मैं अभी डालूंगी और कुछ धनिया डालूंगी मैं बाद में, यानी कि सब्जी बनने के बाद। अब भी इसमें क्या डालने वाले, तो गाइस अब भी डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और इसमें डालेंगे हम नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, थोड़ा डालना है, वरना फिर ये इसमें कड़वापन आने लगता है। और डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हम सब्जी में खा लेते हैं, उपवास होता है, मेरी मम्मा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता कि तो खा लेनी चाहिए। तो ये डाल दिए। आप खाते हैं या नहीं खाते हैं वो आप देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाते तो आप हरी भी डाल सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ी सी देर पकने देंगे, कम से कम 2 मिनट तो आप मान सकते हैं। 2 मिनट में ये अच्छे से, अब इसके में जो गैस है वो थोड़ी तेज कर देती हूँ। ये तेल अलग हो रहा है अभी, और टमाटर भी बिल्कुल एकदम से इसमें ही भूल गए हैं। ऐसा नहीं होता ना, कई बार क्या होता है ना कि जो सब्जी खाते हैं ना, तो किसी किसी को टमाटर के छिलके अलग से आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए हमारा शौक तैयार हो गया है। अब भी हम इसमें क्या डालेंगे, अब भी डालेंगे इसमें हमारा जो आलू मैंने काटे थे वो मैंने पानी में भिगो रखे थे, उनको डालेंगे। इसमें बारीक पानी डालने के, इसमें हम पानी कितना डालेंगे, कि पानी कितना दे सकते हैं आलू की सब्जी। इसमें हम पानी डालेंगे 2 गिलास नहीं, 1.5 गिलास डालेंगे, क्योंकि 1.5 काफ़ी होता है। 1 डाल दिया है, अभी ये आधा है, तो देखिए इसके बराबर हो जाता है ये। और ये आलू है ना, पानी को सोख भी लेते हैं, तो 1.5 गिलास इसकी सब्जी के जो ऊपर है ना, जैसे ये सब्जी की, इसकी आलू की फाड़ है ना, इनसे ऊपर होना चाहिए पानी, बिल्कुल सही एकदम से। जो कहते हैं ना कि ना ज़्यादा पानी वाला ना ज़्यादा कम वाला, बिल्कुल मीडियम बनेगा ये। और अब भी हम इसमें क्या है ना, हमने नमक थोड़ा कम डाला था, अब नमक 1/2 चम्मच से भी कम डाला था। अभी ये इतना देखिए, इतना चम्मच है ये, ना ही ये फुल भरी है ना ही ये कहने के लिए बिल्कुल कम है, क्योंकि इसके मैक्सिमम 1 चम्मच इस सब्जी में नमक काफ़ी है। और हल्दी हमने थोड़ी डाली थी, तो अब हल्दी भी हमने इसमें 1/2 चम्मच डाल देनी है। ये लीजिए, मिर्च मैंने डाल दी थी एक साथ में भी। अब भी इस कुकर को हम बंद कर देंगे। इस कुकर में 3 सीटी आएंगी और 3 सीटी में ये सब्जी बिल्कुल रेडी है, उसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए, इसमें ना ही इसकी जो गैस की आंच है ज़्यादा है ना कम है, मीडियम है, वो देखिए कैसे इतनी आंच काफ़ी है। इसी फ्लेम में हमको इसको 3 सीटी लगवानी है, 3 सीटी में ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
आप मुझे बताइए कि ये सब्जी कैसे बनी है। तो गाइज कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच जाए।